लाड़काना से मुजफ्फर गर्ग उठी की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना में 4G फर्टिलाइजर कंपनी की निगरानी के तहत शहर के मकामी हाल में धान की फसल और ज़रई खाद के मुनासिब से सेमिनार मुनक्कद किया गया, जहां पर FFC हैदराबाद के मैनेजर शफीकुर रहमान, डायरेक्टर एग्रीकल्चर लाल डिनू जुनेजो, रिसर्च डोकरी डायरेक्टर अशरफ सुमरू, सिंध आबादकार बोर्ड सदर इरफान जतोई, एडिशनल डायरेक्टर रियाज सुमरू, असदुल्ला सोलंकी समेत किसानों और आबादकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर FFC के ज़रई माहिरों ने खिताब करते हुए कहा है कि हम आपस में मिलकर फसल की पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। ज़रई खाद के बरवक्त इस्तेमाल से फसल की पैदावार में यकीनन इजाफा हो सकता है, जिससे किसान और आबादकार खुशहाल हो सकते हैं। इनका कहना था कि इस वक्त सिंध की ज़रई ज़मीनों में वो ताकत ना रही है, जिसका सबब यह है कि ज़मीन से काफ़ी हद तक मादनियात ख़त्म हो चुकी है। ऐसे सूरत हाल में किसान और आबादकार ज़मीन में जंतर और जानवरों की खारिज की गई खाद समय ज़रई खाद का मुनासिबत इस्तेमाल करें, जिससे ज़मीन ताकतूर हो सकती है और फसल भी बेहतर हो सकती है। फसल बेहतर होगी तो किसान और आबादकार भी खुशहाल होंगे।